Assalamualaikum viewers, I am Akil Rahman. Today our topic is significance of meiosis, 9th class biology. तो आज बेटा हम सीखेंगे कि meiosis की significance क्या है. जैसे कि हमने सीखा था कि mitosis की significance क्या है, तो mitosis की significance हम सीख चुके हैं, तो अब हम सीखेंगे significance of meiosis. अच्छा जी, आपको याद होगा कि mitosis के अंदर या माइटोसिस की इम्पोर्टेंस क्या है, ये आपने पढ़ा था कि जो माइटोसिस है वो हमारी भी बॉडी की ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए जरूरी है. क्योंकि अगर माइटोसिस ना हो तो हमारा साइज ना बड़ा हो, यानी हम जितने छोटे होते हैं एम्ब्रियो के बाद इतना बड़ा जिस्म बन जाता है, इतनी बड़ी बॉडी बन जाती है, वो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते ना. तो नंबर ऑफ सेल्स कैसे बढ़ रहे हैं, माइटोसिस की वजह से. हमारी ग्रोथ कैसे हो रही है, माइटोसिस की वजह से. हमारे जो सेल्स की तादाद में मुसलसल इजाफा होता है और साइज ग्रो करता है, वो क्यों करता है, माइटोसिस की वजह से. एक और चीज भी आपने सीखी थी कि कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनका बॉडी का पार्ट जो है वो अगर लॉस हो जाता है तो उसको रीजनरेट कर लेते हैं. स्टारफिश के बारे में आपने पढ़ा था. तो अब हम आज देखते हैं कि मियोसिस कितनी इंपॉर्टेंट है. तो आर यू रेडी कि मियोसिस कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम सीखते हैं. अच्छा जी, मियोसिस के का जो यानी उसकी सिग्निफिकेंस को डिटेल में स्टडी करने से पहले हम उस इंसान के बारे में पहले थोड़ा सा आइडिया लेते हैं जिसने हमें पहली दफा मियोसिस के बारे में बताया. जी तो कौन थे वो जी जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम अगस्ट विज़मैन था. अगस्ट विज़मैन ने फर्स्ट टाइम जो है वो मियोसिस को डिस्क्राइब किया. ठीक है, कब किया, इन 1890 के अंदर इसने, अगस्ट विज़मैन ने फर्स्ट टाइम मियोसिस को डिस्क्राइब किया, मियोसिस की इंपॉर्टेंस बताई फॉर द रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस, के इनहेरिटेंस के लिए कितना जरूरी है मियोसिस और रिप्रोडक्शन के लिए कितना जरूरी है. अच्छा जी, तो ये इसने, अच्छा अब ये कहाँ का था, ये जी जर्मनी का था. तो मैं यहाँ पे ये भी बता देता हूँ आपको कि ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था, जर्मन बायोलॉजिस्ट. ठीक हो गया, ये वो शख्स था, ये वो इंसान था जिसने हमें पहली दफा बताया कि सिग्निफिकेंस जो है माइटोमियोसिस की भी सिग्निफिकेंस है. ओके हो गया. अच्छा अब इसने हमें बताया क्या, इसने हमें बताया दो बातें हमें बताई. एक, इसने कहा कि क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट्स में जितनी होती है उतनी ही ऑफस्प्रिंग में होती है. यानी इसने बताया कि जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम्स मेंटेन रहते हैं, क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होते. यानी जितने क्रोमोसोम्स एक जनरेशन जिसे हम पेरेंट जनरेशन कहते हैं उसमें होते हैं, उतने ही क्रोमोसोम्स नेक्स्ट जनरेशन में होते हैं. तो ओके हो गया, मैं इसको भी लिख देता हूं जरा ताकि आप लोगों को याद हो जाए. अच्छा जी, तो ये जी इसकी दो बातें थी, मैंने दोनों बातें इसकी लिख देता हूं यहां पे. पहले इसने क्या बताई, इसने बताया कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं, मेंटेन, क्रोमोसोम्स मेंटेन्ड, ठीक है, मेंटेन होते हैं इन नेक्स्ट जनरेशन, दूसरी जनरेशन के अंदर. और वो किस वजह से होते हैं, वो मियोसिस की वजह से होते हैं. अच्छा जी, दूसरी बात क्या बताए, पहली बात कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहेंगे जनरेशन टू जनरेशन, सेम, जो पेरेंट में वही ऑफस्प्रिंग,
पैरेट में 46, ह्यूमंस की बात करें तो ऑफस्प्रिंग में भी 46 होंगे, यानी पेरेंट्स के अंदर अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो बच्चे में भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। अच्छा, अब वो किस वजह से होते हैं? मियोसिस की वजह से। दूसरी बात क्या बताई? दूसरी बात बताई कि वेरिएशन लाता है, मियोसिस वेरिएशन। आपने देखा होगा कि जब पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चों में थोड़ा बहुत फर्क होता है, यानी वेरिएशन होता है, जेनेटिक वेरिएशन। ये नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज जैसे पेरेंट्स हों वैसे बच्चे, नहीं, कुछ न कुछ हेयर स्टाइल, स्किन कलर एंड कुछ न कुछ क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो जेनेटिक वेरिएशंस किसकी वजह से आता है? मियोसिस की वजह से। ठीक है, तो जेनेटिक वेरिएशंस लाता है मियोसिस, यानी कि जेनेटिक वेरिएशंस। इन नेक्स्ट जनरेशन, ये भी वही बात कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वेरिएशन जो आता है वो ड्यू टू मियोसिस आता है। ठीक हो गया, इसलिए दो बातें हमें ये बताएं। अच्छा, अब हम एक एक करके इन दोनों बातों को डिटेल में स्टडी करते हैं, तो चलें भाई सीखते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगर ह्यूमंस की, तो ह्यूमन में आपको पता है कि मदर सेल्स होते हैं और जर्म लाइन सेल्स होते हैं। ठीक हो गया, मैं यहाँ पे मदर सेल्स की अगर बात करूं तो मदर सेल्स जो हैं, मदर सेल्स डिप्लॉयड सेल्स हैं, और इसी तरह मैं अगर बात करूं जर्म लाइन सेल्स की तो ये जर्म लाइन सेल्स भी डिप्लॉयड सेल हैं। क्रोमोसोम्स की तादाद क्या है? डबल है दोनों में, डिप्लॉयड, क्योंकि ये अलग अलग है। अगर हम फीमेल की बात करें तो मदर सेल्स होते हैं, मेल की बात करें तो जर्म लाइन सेल्स होते हैं। अच्छा, जो मदर सेल्स होते हैं वो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, जो जर्म लाइन सेल्स हैं वो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा जी, अब ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों, यानी ये मियोसिस करेगा, मियोसिस। अब मियोसिस की है मदर सेल्स ने, तो इन्होंने हैप्लॉयड गैमेट्स बनाए हैं, हैप्लॉयड गैमेट्स। आप देख रहे होंगे क्रोमोसोम्स क्या हो गए, हाफ दोनों में, यानी डिप्लॉयड ने हैप्लॉयड गैमेट्स बनाए, लेकिन क्या हुई है? मियोसिस। तो मियोसिस के बाद डिप्लॉयड मदर सेल हैप्लॉयड गैमेट्स में बदल गए, तो ये हमने सीखा। ठीक हो गया जी, तो ये गैमेट्स बन गए दो हैप्लॉयड। ठीक हो गया, ये मियोसिस के थ्रू हुआ है। अब ये जो गैमेट्स बने हैं हैप्लॉयड, हैप्लॉयड गैमेट्स, गैमेट्स, ठीक है, तो ये गैमेट्स की जो फॉर्मेशन हुई है वो मियोसिस की वजह से हुई है। अच्छा, अब यहां पे देखते हैं तो ये भी गैमेट्स, यानी ये भी मियोसिस करेंगे, तो मैं यहां पे शो करता हूं मियोसिस। अब मियोसिस शो हुई तो इन्होंने भी क्या प्रोड्यूस किए? गैमेट्स, वही वाले हैप्लॉयड, तो ये भी गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा जी, लेकिन ये है, ये मेल हैं, और ये कौन से थे? ये फीमेल थे, क्योंकि मदर करती है फीमेल गैमेट्स, जर्म लाइन सेल्स करते हैं मेल गैमेट्स। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास अब ये जो गैमेट होंगे ये आगे डेवलप होंगे स्पर्म के अंदर। ठीक हो गया, सॉरी, ये मदर के हैं तो ये डेवलप होंगे इनटू एग के अंदर, और ये वाला डेवलप होगा स्पर्म के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मियोसिस की वजह से एग भी बन गए और मियोसिस की वजह से स्पर्म्स भी बन गए। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं कि इधर से एक गैमेट और इधर से एक गैमेट क्या होते हैं, फ्यूज,
यहाँ पे मैं कहता हूं कि कौन सा प्रोसेस हुआ है, फ्यूजन का, फ्यूजन, ठीक हो गया ये। तो फ्यूजन में ये यूनाइट हुए हैं। अब एक गैमेट हैप्लॉयड मदर वाली साइड से आया, अच्छा एक हैप्लॉयड गैमेट आया फादर वाली साइड से, अच्छा अब वन एन और वन एन क्या हो गया, टू एन। अब दोबारा क्या बन गया, डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक हो गया। क्योंकि आपको पता है फर्टिलाइजेशन हुई है, तो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या हुआ, एक डिप्लॉयड जाइगोट बन गया। अच्छा अगर आप, एक सोचने वाली बात है, अगर यहाँ पे क्रोमोसोम्स आधे ना होते गैमेट के अंदर, तो यहाँ अगर ये 2n ही रहते तो 2n 2n, यहाँ तो 4n हो जाता, क्रोमोसोम तादाद में क्या हो जाते, डबल। इसलिए क्या हुआ है कि मियोसिस की वजह से अब ये जाइगोट जो है एक तरह से ये किस में डेवलप हुआ, एम्ब्रियो में, ठीक है। जब ये एम्ब्रियो में डेवलप हुआ तो जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो जो है वो 2n है, एम्ब्रियो 2n है, यानी जो पेरेंट यानी थे पेरेंट अब मदर और फादर थे ये दो, अब इनमें कितने डिप्लॉयड थे ना क्रोमोसोम, डिप्लॉयड सेल है यानी डबल क्रोमोसोम, यानी जो क्रोमोसोम की तादाद है वही क्रोमोसोम की तादाद कहाँ आ गई, उसी जाइगोट के बाद एम्ब्रियो में आ गई। अब इसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद वही रहेगी हर सेल में जो कि कहाँ पे थी, मदर और फादर यानी पेरेंट्स में थी। तो पेरेंट्स वाली तादाद ही एम्ब्रियो में यानी न्यू बॉर्न में आ गई, तो क्रोमोसोम की तादाद मेंटेन कैसे हुई है, मियोसिस की वजह से। अगर यहाँ मियोसिस ना होती तो क्रोमोसोम हाफ ना होते, अलग अलग गैमेट्स आए हैं, आधे आधे क्रोमोसोम्स आए हैं, तो क्रोमोसोम्स डिवाइड हो गए हैं, आधे आधे होके फिर पूरे हो गए हैं जो पेरेंट्स में थे। तो इस तरह मियोसिस क्या कर रही है, क्रोमोसोम्स की तादाद को मेंटेन कर रही है। तो मियोसिस की सिग्निफिकेंस है ना, इम्पोर्टेंस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बात उसने हमें ये डिटेल में समझा दी, ये वाली बात हमें उसने समझा दी कि क्रोमोसोम की तादाद जो है वो क्या रहती है, वो मेंटेन्ड रहती है, ठीक हो गया। अच्छा अब हमने सीखना है दूसरी बात को, कि उसने दूसरी बात जो की, उसने कहा कि जेनेटिक वेरिएशन आता है नेक्स्ट जनरेशन में। अच्छा जी, तो दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रेट्स में कैसे तब्दीली आती है, उसमें क्या फर्क पड़ता है, तो वो अच्छा उसको समझाने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जो प्रोटोजोआ होते हैं, जो फंजाए होते हैं, उनके अंदर मियोसिस जो है नहीं होती, यानी वो जो अपने गैमेट्स बनाते हैं वो थ्रू माइटोसिस बनाते हैं। प्रोटोजोआ और फंजाए में मियोसिस के थ्रू गैमेट्स नहीं बनते, उसमें माइटोसिस होती है। ओके हो गया, ये बात भी जहन में रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं चलो कि प्रोटोजोआ प्लस फंजाए मेक गैमेट्स थ्रू माइटोसिस, ठीक है, वो मियोसिस नहीं करते। अच्छा अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स अल्टरनेशंस ऑफ जनरेशंस करते हैं। अगर हम प्लांट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो शो करते हैं अल्टरनेशंस ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशंस ऑफ जनरेशंस क्या है कि अगर वन जनरेशन दूसरी जनरेशन में तब्दील हो जाती है, और दूसरी पहली में और पहली दूसरी में, तो यानी एक जनरेशन दूसरी में तब्दील होगी, दूसरी फिर पहली में होगी, तो इस तरह साइकिल चलता रहता है, पहली दूसरी और दूसरी पहली में। अच्छा अब अल्टरनेशंस ऑफ जनरेशंस जो होती है वो कैसे होती है, मैं वो जरा आपको बताता हूँ। इन प्लांट्स में अल्टरनेशंस ऑफ जनरेशंस कैसे होती है। अच्छा मैं यहाँ पे ना देखता हूँ कि ये हमारे पास एक जाइगोट है,
2m। ये क्या है जी? ये हमारे पास जाइगोट है, जाइगोट। अच्छा, ये जाइगोट करेगा माइटोसिस, माइटोसिस करके ये जनरेशन बनाएगा एक, क्योंकि ये डिप्लॉयड डिप्लॉयड ही बनाएगा, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम सेम रहते हैं। तो इसने एक जनरेशन बनाई जिसका नाम है स्पोरोफाइट जनरेशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसने क्या की स्पोरोफाइट जनरेशन ने? आगे मियोसिस की और क्या बनाया? स्पोर्स, स्पोर्स बनाए। अब क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? हाफ हैप्लॉयड बनाया मियोसिस जो हुई है। अच्छा, अब ये एक जनरेशन हो गई, यानी जो स्पोरोफाइट जनरेशन वो है जो स्पोर्स बना रही है। अब आगे जो स्पोर होगा ना, वो क्या करेगा? वो जी आगे करेगा माइटोसिस, क्योंकि अब जो होगी, अब हैप्लॉयड है तो वो माइटोसिस करेगा, क्योंकि इससे ज्यादा काम तो नहीं हो सकते क्रोमोसोम। तो यहां पे क्या होगा? एक और जनरेशन थ्रू माइटोसिस आई है, जिसे नाम देते हैं हम गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट जनरेशन, जनरेशन। ठीक हो गया। अब गैमेटोफाइट जनरेशन जो है, ये आगे क्या करेगी? ये आगे गैमेट्स बनाएगी माइटोसिस करके। क्या बना रही है? गैमेट्स, माइटोसिस हो रही है, माइटोसिस हो रही है, और ये जो बने हैं ना, ये गैमेट्स बने हैं। ठीक हो गया। अब ये गैमेट्स दोबारा क्या होंगे? यहां पे मैं इसका आपको फ्यूजन बताता हूं, फिर ये फ्यूज होंगे, फ्यूज। ठीक है। अच्छा, अब जब ये फ्यूज होंगे, अब फ्यूज होके दोबारा वो क्या बन गया? डिप्लॉयड जाइगोट। अब ये सिलसिला फिर शुरू हो गया। यानी कि क्या हुआ है कि स्पोरोफाइट जनरेशन तब्दील हुई है गैमेटोफाइट में, और गैमेटोफाइट दोबारा स्पोरोफाइट में। तो ये साइकिल क्या हो रहा है? चल रहा है। यानी कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट से फिर दोबारा स्पोरोफाइट। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। तो क्या होता है कि जो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो उनके अंदर जो गैमेट्स फॉर्मेशन है, वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। अब ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि जेनेटिक वेरिएशन है अगर, तो जेनेटिक वेरिएशन कैसे आता है, यानी करेक्टर्स में कैसे तब्दीली आ जाती है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो हम यहां पे बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा क्रॉसिंग ओवर। तो जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो जीन्स का तबादला होता है। यानी ये देखें, अब ये क्रॉसिंग ओवर के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, वो ओवरलैप करते हैं। जब ओवरलैप करते हैं तो उनके एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स, वो अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं, और इस तरह जीन्स का क्या हो जाता है? तबादला। यानी कि अगर जब ये क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, तो मैं इनकी सेपरेशन को शो कर देता हूं आपको, कि जब ये क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो ये किस तरह होंगे। तो ये क्रोमोसोम्स जो सेपरेट होते हैं, तो ये फिर यूं हो जाएंगे। मैं अगर यहां पे, ये क्रोमोसोम है, ये एक है, ठीक हो गया। तो यानी कि ये जो सेगमेंट्स चेंज हुआ था ना, यानी इसका अगर मैं कहता हूं इसका ग्रीन है तो ग्रीन, ये इसका अगर रेड है तो अब रेड उसके पास चला गया। यानी ये सेगमेंट्स इसका रेड आ गया यहां से, और ये ठीक हो गया। यानी इस क्रोमोसोम का जो जीन्स थे वो उधर चले गए, और इसके कहां आ जाएंगे? इधर। अगर मैं इसकी बनाता हूं, अब इसका जो क्रोमोसोम, इसके जो जीन्स थे वो ग्रीन, अगर मैं कहता हूं
तो वो यहाँ आ गए। क्या हुआ है कि अब ये सेगमेंट्स एक्सचेंज हो गए हैं, यानी इसके पास उसके जीन्स आ गए हैं और उसके पास इसके जीन्स चले गए हैं। तो जीन्स का क्या हो गया है, तो लगा हुए तो एक्सचेंज हो गया। जब ये एक यानी गैमेट में जाएगा, ये गैमेट में जाएगा, जब ये अलग अलग जाएंगे तो इस तरह फिर यानी कि जब इनकी फ्यूजन हुई हुई होगी तो फिर वो जीन्स क्या होंगे, वेरी कर जाएंगे। तो क्रॉसिंग ओवर के अंदर जेनेटिक वेरिएशन आते हैं। तो ये जी हमें आज इस लेसन में बड़ा एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक स्टोरी मिली है कि जी मियोसिस जो है वो हमारी लाइफ के लिए, इनहेरिटेंस के अंदर और रिप्रोडक्शन के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी आपको समझ नहीं आई तो इसका सलूशन है कि आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें, ठीक है, और फिर हम आपका आंसर देंगे, या हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टैक्ट मौजूद है, आप हमें मैसेज सेंड कर सकते हैं, तब भी हम आपका जवाब देंगे। हमारा फेसबुक पेज है वो लाइक करें, निस्ट अकेडमी का, और हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई वीडियो क्या नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।